Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do our poem on the grasshopper and cricket. Cricket and grasshopper. Grasshopper और cricket दोनों ही बेटा seasonal insects हैं, दो season के according create होते हैं. यहाँ जो हमारे writer हैं वो हैं John Keats. John Keats बेटा nature poet हैं. John Keats जो हैं वो mostly प्रकृति के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते हैं, poems लिखते हैं. और ये जो पोएम है ये एक सिंबॉलिकल पोएम है. यहाँ ग्रास होपर और क्रिकेट एक कैरेक्टर के रूप में नहीं है कि उनका रोल हो इस पोएम के अंदर, इस तरह से नहीं है. वो सिंबल हैं. किसके सिंबल हैं बेटा? ग्रास होपर जो है वो समर सीजन का सिंबल है, और क्रिकेट जो है वो किसका सिंबल है? वो विंटर सीजन का सिंबल है. इट मीन्स देखो, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बहुत सारे जो और जो इंसेक्ट्स होते हैं और या बर्ड्स होते हैं वो सभी गर्मी की वजह से पेड़ों में छुप कर बैठ जाते हैं और ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं. ऐसे ही विंटर सीजन में भी बहुत सारे इंसेक्ट्स ठंड के मारे ऐसी जगह में छुप जाते हैं और किसी तरह का भी सॉन्ग नहीं गाते हैं. लेकिन क्रिकेट जो है, झिंगूर जो है, वो अपना गीत गाता रहता है. और समर सीजन में ग्रास होपर होप करते हुए इधर उधर घूमते हुए अपना संगीत गाता है. अनलाइक द एंट एंड क्रिकेट, ये भी हमारी देखो बेटा एंट एंड क्रिकेट की तरह से ही ये जो एक स्टोरी बताती है एंट और क्रिकेट की, ये भी हमारी एक नेचर पोएम है. इसमें ग्रास होपर और जो क्रिकेट हैं वो अपीयर नहीं होते हैं, डोंट अपीयर एज ए कैरेक्टर इन ए स्टोरी. जैसे कि स्टोरी में कैरेक्टर अपीयर होते हैं उस तरह से अपीयर नहीं होते हैं. रादर दे एक्ट एज सिम्बल्स, वो एक सिम्बल्स का काम करते हैं, प्रतीक हैं. और वो किसके प्रतीक हैं बेटा? मैंने आपको बताया है समर और विंटर सीजन के सिंबल हैं. और नेवर एंडिंग सॉन्ग जो है वो गाते हैं. हु सिंग्स द सॉन्ग, सॉन्ग कौन गाता है? अब इस पोएम के अंदर हमें पढ़ेंगे. ये जो पोएम है बेटा ओनली 2 पैराग्राफ्स की पोएम है. पहले फर्स्ट पैराग्राफ को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. द पोएट्री ऑफ अर्थ मीन्स अर्थ के ऊपर जो पोएट्री है, जो संगीत है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, उसका अंत कभी नहीं होता है. व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट, जब सभी बर्ड्स, सभी पक्षी जो हैं बेटा फेंट हो जाते हैं, मीन्स चुप हो जाते हैं, उन वो अपनी आवाज़ में धीमे पड़ जाते हैं. किससे? विद द हॉट सन, सूर्य की गर्मी से. और हाइड करते हैं अपने आप को, हाइड इन कूलिंग ट्रीज, ठंडे पेड़ों के अंदर अपने आप को छिपाते हैं. उसी समय क्या होता है? ए वॉइस विल रन, उसी समय एक आवाज़ जो है दौड़ती है फ्रॉम हैज टू हैज, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी तक. और अबाउट द न्यू मोन मैड, और नए नए ताज़ा काटे हुए घास के पास, ग्रास के पास. और वो जो आवाज़ है वो क्या है? दैट इज़ द ग्रास होपर्स. वो आवाज़, वो साउंड किसकी है? ग्रास होपर की है. और ही टेक्स द लेट इन समर लग्जरी, और वो समर में भी इंजॉय करता है, गर्मी की ऋतु में भी क्या है वो इंजॉय करता है, आनंद उठाता है. एंड हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स, और खुशियाँ मनाता है, उसकी खुशियाँ जो है कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं. और जब वो टायर्ड हो जाता है फन से, मस्ती करते करते या मजाक करते हुए, जब वो परेशान हो जाता है, टायर्ड हो जाता है, ग्रास होपर थक जाता है, ही रेस्ट, वो आराम करता है, एट ईज, आराम करता है, बीनीथ अंडर द प्लीजेंट वीड, जो खरपतवार है, जो बेटा एक्स्ट्रा पौधे उगे हुए होते हैं फसल के सिवा, जो पौधे उगे हुए होते हैं उनको वीड्स कहते हैं, तो उनमें जाकर वो रेस्ट करता है. वी विल एक्सप्लेन नाउ अगेन इन इंग्लिश. When the season is summer, it means when it is very hot in summer, the birds rest under shady trees. The scorching heat जो है, then the scorching heat exhausts them and stops their twittering and singing. But the music of the earth never stops. The grasshopper goes on hopping from one house to another, chirping and singing and delightfully to continue with the music of the earth. It continues its singing until it is content and tired out with fun. Then it takes rest under some shady plants. Move to the next paragraph. The poetry of earth is ceasing never. The poetry of earth, जो poetry है earth की, जो कहानी है पृथ्वी की, वो कभी भी ख़त्म
नहीं होती है, इसका संगीत कभी भी सीज होता है बेटा, स्टॉप, कभी भी सीज नहीं होता है। ओन ए लोन विंटर इवनिंग, लोन अकेली शाम को, विंटर के समय, विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, सभी लोग अपने घरों में चले जाते हैं, पक्षी जो हैं अपने घोंसलों में चले जाते हैं, तो ऐसे में वहन द फ्रोस्ट, जब फ्रोस्ट जो है बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, ठंड होती है, वहन द फ्रोस्ट हैज़ रफ्ड ए साइलेंस, और चुप्पी आ जाती है, जब धुंध जो है, कोहरा जो है, साइलेंस को लेकर आता है, चुप्पी को लेकर आता है, तो वहाँ बेटा क्या होता है, फ्रॉम द स्टोन, स्टोन में से, पत्थरों में से क्या आता है, फ्रॉम द स्टोन देयर श्रील्स द क्रिकेट सॉन्ग, एक श्रील, एक बहुत ही तीखी आवाज़ आती है पत्थरों में से, और वो सॉन्ग किसका होता है, क्रिकेट का होता है, झिंगूर का होता है, और जब वो झिंगूर जो है बेटा मोस्टली गाना गाते हैं विंटर में, ठंड में अपना म्यूजिक गाते हैं मतलब वो, और वो गर्मी को ढूंढते हैं, गर्मी को ढूंढते ढूंढते वो क्या करते हैं, घरों में घुसना स्टार्ट कर देते हैं, और अंदर उन्हें वार्म्थ महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, और जो ही वो गर्मी महसूस करते हैं, वार्म्थ, वो अपने आप को वार्म करते हैं, तो इनक्रीजिंग एवर, तो उनका जो सिंगिंग का प्रोसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो कंटिन्यूटी से गाते रहते हैं। और जो लोग उस समय सोए हुए हैं घरों में, ड्राउजिंस हैं, इट मीन्स जो ऊँग रहे हैं, सो रहे हैं, वो क्या करते हैं, एंड सीम्स टू वन इन हाफ लोस्ट, उसमें खो जाते हैं, उस संगीत में, मधुर क्रिकेट के झिंगूर के उस मधुर संगीत में खो जाते हैं। द ग्रास होपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, और उस समय लोग जो लोगों को जो आवाज़ है, जो क्रिकेट की आवाज़ है, वो ग्रास होपर के आवाज़ के जैसे ही लगती है, जैसे ग्रासी हिल्स में, जो घास वाली हिल्स में पहाड़ियों से जो आवाज़ ग्रास होपर की आती है, वैसी यह आवाज़ लोग उस समय जो है क्रिकेट की महसूस करते हैं, झिंगूर की महसूस करते हैं। हमारे पोइट हैं बेटा जॉन किट्स, ये बहुत ही अच्छी पोएम है जॉन किट्स की। नाउ वी विल एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ इन इंग्लिश। द पोइट अगेन सेज दैट द पोइट्री ऑफ द अर्थ विल नेवर स्टॉप, it is present everywhere and permanent. When it is bitterly cold winter evening and all living creatures have taken shelter from for rest, loneliness and silence spread in the environment, but the poetry of the earth continues in all seasons. The cricket enters indoor to seek the warmth of the storm. Sometimes I means in at the time of explanation I told to you, all crickets enters to the rooms, or we can say they search out the warmth place. It sings a song louder and louder, and he gets more and more warmth from the stove. Now the living being and animals in slumber find the song of the cricket similar to that of the grasshopper, and they think the grasshopper is still singing. वो महसूस करते हैं बेटा। I hope you understood everything. Now you read this poem. Thank you.